आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईपीएल के इन सब अपडेट्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में मुकाबला खेला गया था, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 166 रनों का लक्ष्य दिया था। उसका पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और दिल्ली कैपिटल्स ने पहला विकेट जल्दी खो दिया था। इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छी लय में नज़र आ रहे थे और अच्छे हिट्स लगा रहे थे, परंतु जब हार्दुस विजलोइन की गेंदबाजी आई उस समय हार्दुस विजलोइन अपना दूसरा ओवर करवा रहे थे और सामने थे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर। तभी श्रेयस अय्यर ने उन्हें एक चौका लगाया जिससे विजलोइन काफ़ी गुस्से में नज़र आए। इसके बाद अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगकर गेंद स्टंपों पर जा लगी और श्रेयस अय्यर आउट हो गए। आउट होते ही गेंदबाज विजलोइन काफ़ी आक्रामक दिखे और श्रेयस अय्यर की आंखों में आग डाल गुस्से में नज़र आए। एक बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों आपस में बहस करेंगे और एम्पायर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। केवल दोनों आंखों ही आंखों में बहस करके चले गए और इसी विकेट के साथ में किंग्स इलेवन पंजाब को श्रेयस अय्यर के रूप में दूसरा विकेट मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।